नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमनदीप और हिमाचल फेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 26 जुलाई यानी कि कारगिल विजय दिवस है। सो आप सभी को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों 60 दिन लंबी चली जय लड़ाई 26 जुलाई 1999 में पाकिस्तान को धूल चटाने के साथ ही खत्म हुई। सो इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जहां पर प्रदेश भर के लोगों का इस दिन सीना चौड़ा हो जाता है, वहीं बहुत सी आंखें नम भी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इस युद्ध में भारत के कुल 527 जवान शहीद हुए थे। उनमें से 52 जवान अकेले हिमाचल प्रदेश के ही थे। इस युद्ध को जीतने में हिमाचल प्रदेश के वीरों की बहुत बड़ी भूमिका रही। लिहाजा युद्ध उपरांत देश भर में 4 परमवीर चक्र घोषित किए गए। इनमें से 2 अकेले हिमाचल प्रदेश के योद्धाओं को मिले। सो कारगिल युद्ध में शहीद हुए सभी वीरों को हिमाचल अफेयर्स की ओर से शत शत नमन। चलिए अब देखते हैं आज के कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसको राज्य जल उपकर आयोग यानी कि वाटर सेस कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इसका सही जवाब है IAS ऑफिसर अमिताभ अवस्थी जी को। जल शक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी जी 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें रिटायर होने से पहले एक बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी है। अमिताभ अवस्थी जी 31 जुलाई को रिटायर होने के बाद वाटर सेस कमीशन के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होगा। वह वाटर से संबंधित तमाम अपीलों की सुनवाई करेंगे और हिमाचल प्रदेश जल उपकर अधिनियम 2023 के अनुसार काम करेंगे। इसके बाद आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 में हिमाचल प्रदेश ने कुल कितने पुरस्कार जीते। तो इसका सही जवाब है 3 पुरस्कार, उनमें से 1 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल है। ईटी डिजिटेक अवार्ड्स में सभी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग हिस्सा ले सकते हैं। यह अवार्ड विभागों में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी संबंधित किए जा रहे विभिन्न प्रयासों के लिए दिए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश को ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल उत्कृष्टता श्रेणी में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। ई कॉमर्स वेबसाइट के डिजाइन, विकास, रखरखाव, होस्टिंग और प्रबंधन संबंधी यह पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हिम परिवार पोर्टल और HP शिवा MIS पोर्टल के डिजाइन और विकास की पहल के लिए हिमाचल प्रदेश को 2 सिल्वर मेडल प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आज का हमारा थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने राज्य में हरित आवरण यानी कि एक्सटेंसिव ट्री प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई योजना को शुरू करने का फैसला लिया है। तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में स्थित बंजर चोटियों एवं पहाड़ियों को शामिल करते हुए राज्य में एक्सटेंसिव ट्री प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इन चुने हुए क्षेत्रों में पौधारोपण तथा रखरखाव के कार्य को अगले 7 वर्षों तक सुनिश्चित किया जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।